अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट एड हमने स्टार्ट किया था बैंडेजेस एंड ड्रेसिंग्स। आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ बैंडेजेस। रोलर बैंडेजेस स्ट्रिप्स ऑफ मटेरियल्स ऑफ वेरिएबल्स विड्थ कॉल्स रोल्स एंड टू अ कम्पैक्ट सिलेंडर्स टू फैसिलिटेट एप्लीकेशन। जब हम ड्रेसिंग करते हैं तो उसमें एक रोलर टाइप के बैंडेजेस हम यूज़ करते हैं जो मुख्तलिफ किस्म के साइज़ में आते हैं और ड्रेसिंग्स को फैसिलिटेट करते हैं। मतलब कि जब हम किसी भी ज़ख्म की पट्टी को चेंज करते हैं तो ये बैंडेजेस उस ड्रेसिंग या उस पट्टी चेंज करने में हेल्पफुल होते हैं। गाज बैंडेजेस, गाज बैंडेज इज़ अ थिंस वून्स फैब्रिक्स मटेरियल दैट इज प्लेस्ड ओवर अ वून्ड टू कीप इट क्लीन। और ये एक क्यूब नुमा या स्क्वायर किस्म के बैंडेजेस होते हैं। जब हम इसको किसी भी जख्म के ऊपर रख लेते हैं या किसी भी वून्ड्स के ऊपर रख लेते हैं तो उसमें जो ब्लड्स होता है या किसी भी किस्म का सिक्रीशंस हुआ होता है तो उसको ये क्लीन कर देता है। एडहेसिव स्ट्रिप्स आर यूज फॉर स्मॉल वून्ड्स। और ये एडहेसिव स्ट्रिप्स जिसमें ये सनीप्लास्ट वगैरह आते हैं, ये हम जो मामूली जख्म्स होते हैं उसके लिए यूज़ करते हैं। एडहेसिव टेप, अ स्ट्रिप ऑफ पेपर आर प्लास्टिक कोटेड विद एडहेसिव मटेरियल एंड सोल्स एंड रोल्स यूज्ड टू स्टिक थिंग्स टुगेदर। और ये जो सर्जिकल टेप्स वगैरह होते हैं ये होते हैं कि किसी भी पट्टी के ऊपर हम लगा लें ताकि ये पट्टी उस जख्म से गिर ना जाए। ट्राइंगुलर बैंडेजेस, ट्राइंगुलर बैंडेजेस आर वेरी मच यूजफुल एज इमरजेंसी कवर फॉर द इंटायर स्क्रैप्स आर द हैंड्स आर फुट्स आर ए लार्ज एरिया। और ट्राइंगुलर बैंडेजेस वो बैंडेजेस होते हैं जिसका टेकूनी शक्ल होता है और ये ज़्यादातर जो लार्ज जख्म्स होते हैं उसमें यूजफुल होते हैं, उसमें यूज हम करते हैं। कॉम्प्लिकेशंस ऑफ टाइट बैंडेजेस, अगर हम पट्टी को प्रेस करके लगाए तो इसकी क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती है। द स्किन अराउंड द बैंडेज बिकम प्लेस आर ब्लूइश इन कलर। जब हम किसी जगह पे ऊपर प्रेस या टाइट बिल्कुल बैंडेजेस या पट्टी लगा ले तो इसके इर्द गिर्द वो जो एरिया होती है, स्किन होती है, वो ब्लूइश होती है, क्योंकि एक तो उनको ब्लड सप्लाई रोक जाती है, दूसरी ये है कि वो जो ज़ख्म होता है वो ज़्यादा पेन शुरू कर देता है। देर इज़ अ ब्लूइश टैंक्स टू देर नियरेस्ट फिंगर नेल्स और टॉन्सिल्स। और इर्द गिर्द उसके अगर हम उंगलियों की बात करें या पाँव की बात करें, इसको हम टाइटली बांध ले तो इसके जो सर्स होते हैं वो ब्लूइश होना शुरू होते हैं। क्यों? इसका वजह ये होता है कि उनको प्रॉपर जो ब्लड सप्लाई होती है वो रोक दी जाती है, तो इसलिए उनको प्रॉपर ऑक्सीजन स्पेयर नहीं मिलता, तो इस वजह से उनका जो कलर होता है वो ब्लूइश की तरफ कन्वर्ट होता है। द विक्टिम्स कंप्लेंस ऑफ पेन्स यूजुअली ओनली अ फ्यू मिनट्स आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ बैंडेजेस। और ये जो जिसको हम पट्टी करा रहे होते हैं तो वो क्या करता है, कंप्लेन करता है, पेन का दर्द का कंप्लेन करता है। द स्किन बियॉन्ड द बैंडेज इज कोल्ड। और ये जो स्किन्स होती है जिस जगह पे हम बैंडेजेस लगाते हैं वो क्या होते हैं, कूल्ड होते हैं, क्योंकि उस बैंडेजेस में हम कोई भी ऐसा मटेरियल्स या कोई ऐसा अनाउंसमेंट्स यूज़ करते हैं कि उस जख्म को ठीक करने के लिए, तो उनका जो टेम्परेचर होता है या वो कूल भी हो सकती है, तो उसकी वजह से ये जो एरिया होता है वोंड की वो क्या होता है, या होता है, मतलब कि कूल टेम्परेचर उसका होता है। द स्किन बियॉन्ड द बैंडेजेस टेंगलिंग आर्ज नम्स। और जो स्किन्स होती है वोंड्स के इर्द गिर्द वो क्या हो जाती है, नम्स हो जाते हैं, क्योंकि वो क्या होती है, उसके ऊपर काफ़ी टाइम तक वो बैंडेजेस ऊपर ही
रहता है, मतलब कि वो छुपा ही रहता है, उसके ऊपर जो एटमॉस्फेयर होता है, अब हवा होती है वो नहीं लगती, तो इस वजह से वो नम सा हो जाते हैं, मतलब कि उधर ह्यूमिडिटी प्रोड्यूस होती है, ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है। पल्स बियॉन्ड द बैंडेजेस कूल नॉट बी फिल्स और इट्स इज वेरी वीक्स। और हम पल्स जो होते हैं, या जो जिसको हम क्या कहते हैं, हार्ट बीट भी कहते हैं, वो क्या करते हैं कि बैंडेजेस से पहले हम वो नहीं करते, चेक नहीं करते, और ये इंतहाई ज़रूरी होते हैं कि उसका नॉर्मल हम चेकअप करें ड्रेसिंग के दौरान किसी भी पेशेंट्स का, कि उसका बीपी नॉर्मल है कि नहीं, उसका टेम्परेचर किस तरह है। कैपिलरी रिपेल्स इज एब्सेंट आर डिमिनिश इन द फिंगर्स नेल्स आर ट्रांसिस बियॉन्ड द बैंडेजेस। और जो कैपिलरीज होती है ये क्या होती है, एब्सेंट होती है, रिपेल्स होती है किसी भी ज़ख्म की वजह से, फिंगर्स की, या अगर हाथों में कोई ज़ख्म लग जाए या पाँव में कोई ज़ख्म लग जाए। द विक्टिम कैन नॉट मूव हिज और हिज फिंगर्स और टॉयज। और जब हम बैंडेजेस करवाते हैं, टायर्स बैंडेजिंग करवाते हैं, तो उसकी वजह से भी वो जो विक्टिम्स होता है, जो मरीज होता है, वो अपने पाँव या हाथ हिला नहीं सकते। ये क्या है, डिफरेंट पिक्चर्स हैं जिसमें नॉन एडहेसिव, एडहेसिव ड्रेसिंग है, गॉज टेप्स हैं, एडहेसिव स्ट्रिप्स है, ट्राइंगुलर बैंडेजेस हैं, देन एडहेसिव टेप्स हैं, सो ऑन। थैंक यू।